नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, यानी कि डेली के बेसिस पे आप क्या क्या काम करते हो। जब भी आपसे ये चीज कोई पूछे तो आप उसका रिप्लाई किस तरह से कर सकते हो। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इन एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या क्या काम करते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आप बता सकते हो जब भी आपसे कोई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछता है, और वो सारे के सारे पॉइंट इंग्लिश में बताऊंगा कि आप डिट्टो वही सब चीजें बता सकते हो। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो सब पॉइंट्स कहां कहां यूज कर सकते हो, या फिर कब कब आपको वो पॉइंट्स बताने की जरूरत होती है। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। इन रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन काम सॉफ्टवेयर के साथ डील करना होता है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या डेवलपमेंट लाने की जरूरत होती है, या फिर क्या क्या उनको मेंटेनेंस करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं, वो सारे काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होते हैं। डेली के बेसिस पे आपको टिकट्स असाइन कर दिए जाते हैं, आपके स्क्रम मीटिंग्स होती है जिसमें आप ये सब चीजें बताते हो कि ऑन डेली बेसिस आप क्या क्या चीजें करते हो, किस तरह से आप कोड लिखते हो, कोड का किस तरह से रिव्यू होता है, या फिर उसके बाद उसकी किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये आप अपने डेली के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे जेनरिक पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि आप अगर कोई भी डेवलपर हो तो आप डेफिनेटली वो सब चीजें बता सकते हो, चाहे आप एक जेंगो डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, पाइथन डेवलपर हो, या फिर कोई भी डेवलपर हो आप, तो आप ये सब पॉइंट्स वहां पे बता सकते हो, क्योंकि एक डेवलपर के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द डे टू डे इश्यूज एंड फाइन ट्यूनिंग द एप्लीकेशन फॉर एनहेंस्ड परफॉर्मेंस। सेकंड पॉइंट इज आई एम इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC ऑफ ट्रैकिंग द रिक्वायरमेंट्स, गैदरिंग एनालिसिस, डिटेल्ड डिजाइन, डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। थर्ड पॉइंट इज आई कॉन्ट्रीब्यूट टू एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फॉल्ट और बग फिक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम राइटिंग द एफिशियंट, रीयूजेबल, टेस्टेबल एंड स्केलेबल कोड। Next point is I am responsible for identifying the areas for modification in existing programs and subsequently developing these modifications. Next point is I contribute to regular team meetings. Next point is I take part in code reviews and technical documentation for reference and reporting. Next point is I am managing the code versioning with GitHub, Bitbucket and responsible for the development of staging and production servers. I consult with the customer or other department on project status, proposals and technical issues such as software system design or maintenance. Next point is I work with the developers to design the algorithm and flowcharts. Next point is I involved in the integrating the software components and third party components. Next point is I analyze the information to determine, recommend and plan installation of the new system or modification of an existing system. Next point is I analyze and fix faults reported within the existing code base. Next point is I am involved in the direct client interaction for providing the change request, trouble reports and requirement collections. Next point is I am responsible for debugging and troubleshooting the programming related issues. तो जैसा कि आप सब लोगों को ये 15 पॉइंट्स के बारे में पता चल गया है, तो अब बात करते हैं कि आपको इन 15 पॉइंट्स को कहां कहां पे यूज करना चाहिए, या फिर कब कब बताना चाहिए। तो जनरली जब भी आपसे कोई इंटरव्यूअर भी जब ये चीज पूछता है कि आप डेली के बेसिस पे क्या क्या काम करते हो, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अपनी कंपनी में, तो उस टाइम पे आप ये सब चीजें बता सकते हो। ये सब चीजें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, इनमें से जो जो पॉइंट आपको लगता है कि आपके रेलेवेंट है, 15 के 15 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। 15 में से जो भी पॉइंट आपको लगता है कि आपके रेलेवेंट है, या फिर जो चीजें आप करते हो, आपको सिर्फ वही चीजें बताने की जरूरत होती है। इसके अलावा जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाते हो, तो रिज्यूमे में भी एक चीज होती है, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। तो वहां पे जो रिस्पांसिबिलिटीज वाला कॉलम होता है, वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब भी कोई HR भी वो चीज पढ़ती है तो उसको पता चल जाता है कि आप वहां पे उस कंपनी में क्या क्या काम कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, इनमें से आपको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए, आप वो सब चीजें लिख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं।